एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1.13। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 bar। इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 × 10⁻²² ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे जो चीज हमें गिव दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे इथेन का जो है वो मास दे रखा है, इसको मैंने लिख दिया M1 से, और साथ के साथ यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दे रखा है P1 1 bar। अब इसी सॉल्यूशन का क्या करा उन्होंने कि जो मास है वो चेंज कर दिया, मास अब कितना कर दिया 5 × 10⁻², जिसको मैंने लिख दिया M2 से। अब इस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर कितना होगा। तो देखिए बच्चों हमने एक लॉ पढ़ रखा है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि जितनी सॉल्युबिलिटी डिजोल्व होती है गैस, उसी के हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता है, यानी कि वी कैन से जो मास है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है बच्चों, कांस्टेंट लगता है, जिसको हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। और जब इसको हम इस दो कंडीशन पे अप्लाई करते हैं, सपोज कि जो हमारे पास मास M1 है, तो उस केस में हमने इसी फॉर्मूले में M1 लिख दिया और पार्शियल प्रेशर को P1 लिख दिया, कांस्टेंट आपका एज इट रहेगा। यही फॉर्मूला हमने दूसरे के लिए अप्लाई करा, M2 और KH2 के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे KH से KH कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा M1 / M2, P1 / P2। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, P2 निकालना है। तो P2 निकालने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और M1 कहाँ आ जाएगा हमारा डिवाइड में। तो यहाँ से हमने P2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को लगा देते हैं। तो P1 हमारे पास कितना है, P1 है आपके पास 1 bar और M2 की वैल्यू हमारे पास है 5 × 10⁻², और M1 हमारे पास है 6.56 × 10⁻³। तो ऑल ओवर इस कैलकुलेशन को हम करने के लिए यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं, और ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगी, और +3 में एक माइनस 10⁻², करेंगे तो ये बचेगा 10⁻¹। और ये डेसिमल से हटाने के बाद यहाँ पे ये 500 और यहाँ पे कितना आ गया 656 आ गया। यहाँ पे 10⁻¹ को खोलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5000। तो बच्चों ये यहाँ पे तो आप लोग डिवाइड कर ही लेंगे, तो जो डिवाइड करके जो आंसर आ जाएगा वो है 7.621 bar। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मास उसका कितना कर दिया जाएगा, 5 × 10⁻², कर दिया जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा। तो उस केस में पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 7.621, और यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।